नागौर वर्सेस चूरू कबड्डी का पहला सेमीफाइनल पुरुष वर्ग नागौर चूरू रेड ड्रेस में आप देख सकते हैं चूरू के खिलाड़ी और येलो ड्रेस में नागौर के खिलाड़ी कोर्ट पर उतर चुके हैं और आप भी आपके चंद ही मिनटों में आपके सामने मैच स्टार्ट होने वाला है पुरुष वर्ग का पहला सेमीफाइनल चूरू वर्सेस नागौर। पहली रेड नागौर की तरफ से डाली जा रही है पुरुष वर्ग का पहला सेमीफाइनल आपके सामने हो रहा है नागौर वर्सेस चूरू। सो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ही तगड़ी हैं बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके इस मुकाम तक पहुंचे कि आज सेमीफाइनल में ये दोनों आपस में भिड़ी हुई है टीम यहाँ से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुँच जाएगी और इसके बाद सेकेंड सेमीफाइनल जिसका अभी कोई फिक्स नहीं है किन दो टीमों के मध्य होगा और ये बिल्कुल पॉइंट मिलेगा चूरू को। चूरू ने खाता खोला पहला पॉइंट चूरू ने अपने नाम किया और ये सफल रहे यहाँ पे दो पॉइंट मिलेंगे बोनस प्लस टच अच्छा खाता खोला है चूरू ने तीन पॉइंट कर लिए एक पॉइंट है अभी नागौर का बिल्कुल एक पॉइंट फिर से नागौर को मिलेगा नागौर के हो गए पॉइंट एक से बढ़कर दो तीन दो। तो मैंने आपको पहले ही बताया था चूरू के चार पॉइंट और नागौर के तीन पॉइंट ये होल्ड कर लिया खिलाड़ी को उनके एक पॉइंट मिलेगा नागौर को चार चार बराबरी। चूरू की तरफ से शानदार मैच बिल्कुल एक पॉइंट मिलेगा चूरू को चूरू के पॉइंट चार से बढ़कर हुए पाँच पाँच चार ये ज़्यादा बड़ी लीड नहीं है अभी तक और इस मैच में शायद ऐसी ही रहेगी क्योंकि ये एक तरफा मैच नहीं रहेगा दोनों ही टीमें बहुत ही शानदार मैच करती है ये पूरा दावा करते हुए खिलाड़ी और बिल्कुल एक पॉइंट मिलेगा नागौर को नागौर के पॉइंट बढ़कर हो गए पाँच में लगभग बराबर चल रही है पांच पांच का स्कोर।
जब तक दोस्तों ये नागवली में से रेड डाली जा रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके वीडियो को लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। फिलहाल चूरू के 5 पॉइंट और नागौर के 5 पॉइंट यहाँ पे चूरू के खिलाड़ी की तरफ से पूरा पूरा प्रयास बोनस लेने का, लेकिन और ये बिल्कुल पॉइंट मिलेगा चूरू को, 1 पॉइंट प्लस बोनस, 2 पॉइंट चूरू के नाम, यहाँ 5 से बढ़कर हो गए 7 पॉइंट, 2 पॉइंट की लीड दी हुई है चूरू ने नागौर को। भी खिलाड़ी को होल्ड कर लिया और राव 1 पॉइंट मिलेगा चूरू को, पॉइंट बढ़कर हो गए 8। लगाने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रही खिलाड़ी और नागौर की टीम ने यहीं पर दबोचे रखा, आगे बढ़ने नहीं दिया, यहीं पर नागौर के खाते में 1 पॉइंट और बढ़ता हुआ, यहाँ 6 पॉइंट हो गए नागौर के और 8 पॉइंट चूरू के। छः की स्कोरिंग दोनों टीमों में, 8 पॉइंट चूरू के, 6 नागौर के, अभी तक चूरू ने बढ़त बना के रखी है अपनी 2 पॉइंट की। और यहाँ पे खिलाड़ी रोकने का प्रयास लेकिन नाकामयाब रहे और रेडर कामयाब रहे, 3 पॉइंट लेकर आए हैं चूरू के, पॉइंट यहाँ 8 से बढ़कर हो गए 11 पॉइंट, 3 पॉइंट मिले हैं चूरू को, 11-6, 5 का डिफ्रेंस कर दिया है चूरू ने नागौर में। थोड़ा उत्साह कमज़ोर पड़ गया क्योंकि जब लीड बढ़ती जाती है तो खिलाड़ी में नाराज़गी उदासी आ जाती है। दोनों टीमें बेहतरीन प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में आई है, यहाँ पे जो टीम सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी वो फाइनल में जाएगी और फिर वहाँ पे जाके आपको पता ही है जो जीतेगी उसको क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। और ये 2 पॉइंट मिलेगा चूरू को, 1 पॉइंट, चूरू के खाते में 13 पॉइंट हो गए टोटल, 6 पॉइंट मिले हैं। और ये 13 से बढ़कर 16 पॉइंट हुए हैं क्योंकि 3 पॉइंट मिले हैं, 10 पॉइंट की लीड है अभी नागौर को, 10 पॉइंट हासिल करने हैं मैच बराबरी करने के लिए,
यहाँ पे चूरू ने अच्छा प्रदर्शन करके बढ़िया लीड दी हुई है। चूरू की टीम की तरफ से बहुत अच्छा डिफेंड, दोनों तरफ पॉइंट मिलते हुए, एक पॉइंट बोनस तो दूसरा पॉइंट चूरू को मिलेगा खिलाड़ी का होल्ड करने का। बिल्कुल पॉइंट मिलेगा चूरू को, एक और जहाँ पे चूरू के 18 पॉइंट होते हुए वहीं पे नागौर के 7 पॉइंट, 11 अंकों के लिए बहुत ही बड़ी लीड है, क्योंकि इस कांटेदार मैच के लिए छोटी लीड का होना जरूरी है, बड़ी लीड का होना थोड़ा खतरे का काम हो जाता है, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। और भाई बहुत शानदार प्रदर्शन, यहाँ पे पॉइंट मिलेगा नागौर को, दो पॉइंट मिलेंगे नागौर को, ये भी नागौर के 7 से सीधे 9 पॉइंट हो गए। आज ही शानदार प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। अब तक के मैच में चूरू ने 19 अंक अर्जित किए हैं, जबकि नागौर ने 9 अंक अर्जित किए हैं। इस तरह चूरू को 10 अंकों से आगे चल रही है। एक पॉइंट मिलेगा नागौर को, क्योंकि कोर्ट क्रॉस करके आ गया था दूसरी टीम के कोर्ट में। फिलहाल 19 पॉइंट है चूरू के, वहीं 10 पॉइंट है नागौर के, और खिलाड़ी को होल्ड करने आ रही नहीं हो पाया होल्ड, और एक पॉइंट मिलेगा चूरू को। चूरू के 20 पॉइंट और नागौर के 10 पॉइंट। तीसरे स्थान के लिए एक हारलाइन जी कहा जाता है, बहुलाई जी को भी ऊपर नीचे बनाए आपकी सबकी जरूरत है। कबड्डी के मैच में कबड्डी बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बिल्कुल दावा करते हुए खिलाड़ी भी पॉइंट मिलेगा चूरू को, पॉइंट मिलता हुआ 21। दोनों टीमें कैसा प्रकार अपना वार्म अप कंप्लीट करें, जालौर वर्सेस अजमेर फाइनल मैच। थैंक यू।
चूरू के पॉइंट हो गए हैं बढ़कर 22। रेड कुछ करने का मौका यहाँ पे खिलाड़ी खाली नहीं जाना चाहिए। और बहुत शानदार टैकल किया लेकिन कामयाब नहीं हो पाए तो रेड रन को मिले यहाँ पे पॉइंट, दो पॉइंट अर्जित किए चूरू ने, पॉइंट बढ़कर हो गया है यहाँ पे 24 और नागो के पॉइंट हैं 11। एक पॉइंट मिलेगा चूरू को, 24 से सीधे 25 पर हो गई और यहीं नागौर के 11 पॉइंट और ये नागौर की टीम ऑल आउट। यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेंगे और 25 और 3 28 पॉइंट हो गए चूरू के, वही नागौर के 11 पॉइंट हैं, बहुत अच्छी लीड। पॉइंट मिलेगा, बहुत ही शानदार रेड डाली है सीधे डिफेंडर को दिखा दिया। चूरू 24 नागौर 12, 24 नहीं है सॉरी 29, चूरू के 29 पॉइंट हैं और नागौर के 12 पॉइंट हैं। सत्रह अंकों की लीड। बाबूलाल चौधरी रेफरी, सुरेंद्र सिंह चौधरी एम्पायर, अशोक चौधरी एम्पायर, स्कोरर बाबूलाल मीणा, असिस्टेंट स्कोरर श्रीमती गिरिजी शर्मा और श्रीमती भूमिका चौधरी, थर्ड रेड स्कोरर श्री अक्षय चौधरी और 30 सेकेंड ऑपरेटर होंगे श्री बलवंत स्वामी। नागौर की तरफ से बहुत अच्छी रेड थी लेकिन यहीं पे डिफेंड कर लिया और एक पॉइंट मिलता हुआ चूरू को, चूरू का पॉइंट बढ़कर हो गया है 31 चूरू नागौर 12। दो ढाई रेड चूरू की तरफ से, जहाँ पे कुछ करना ज़रूरी है
यहाँ पे पॉइंट लेना अनिवार्य होता है, तो यहाँ पे चूरू को करके दिखाना है। हालांकि यहाँ पे बोनस का मौका नहीं है, केवल 4 खिलाड़ी बचे हैं, तो कैसे भी करके चूरू को पॉइंट लेना होगा। करो हमारे और ये खिलाड़ी को होल्ड कर दिया, 1 पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल पॉइंट मिला है नागौर को, नागौर के पॉइंट में बढ़ोतरी हुई और पॉइंट बढ़कर हो गए 13 पॉइंट नागौर के, और वही 31 पॉइंट चूरू के। ये आप देख रहे हैं कबड्डी का पहला सेमीफाइनल पुरुष वर्ग राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, बोनस पॉइंट मिला है नागौर को और ये हो गए 14 पॉइंट और हाफ टाइम पूरा हुआ। हाफ टाइम में अभी जो फिलहाल पॉइंट हैं 14 पॉइंट नागौर के और 31 पॉइंट चूरू के हैं। सेकंड हाफ स्टार्ट होता हुआ नागौर वर्सेस चूरू, पहला सेमीफाइनल मैच, चूरू के पॉइंट 32, नागौर के पॉइंट 14 है। अभी लड़की वाले कोर्ट पर, वुमेंस के कोर्ट पर एक पहला फाइनल होगा, क्योंकि जो टीमें सेमीफाइनल में, दोनों सेमीफाइनल में हारी थी, थर्ड पोजीशन के लिए उनका एक मैच होना बाकी है और उसके बाद कबड्डी का फाइनल मुकाबला हो सकता है, आज हो या फिर कल भी हो सकता है। तो फाइनल मैच में फर्स्ट सेकेंड हो जाता है, लेकिन थर्ड के लिए दोनों सेमीफाइनल में जो लड़कियाँ हारी थी उनकी आपस में मैच करवाई जाएंगी और एक थर्ड फाइनल, थर्ड पोजीशन चुनी जाएगी टीम, उसका मैच अभी होना बाकी है। एक टीम कोर्ट पर आ चुकी है, दूसरी अभी आएगी, आप देख सकते हैं पीछे, तो सामने टीम बैठी है ब्लैक कलर की ड्रेस में। और यहाँ पे मैच चल रहा है पहला सेमीफाइनल पुरुष वर्ग का, चूरू वर्सेस नागौर। चूरू के पॉइंट हैं 33, नागौर के पॉइंट हैं 17, लगभग 16 पॉइंट का डिफरेंस, अच्छी खासी लीड। ये बहुत शानदार रहे, बिल्कुल अंदर जाकर कॉर्नर पे डिफेंडर के टच करके आए हैं पैर से खिलाड़ी, और चूरू का 1 पॉइंट और बढ़ता हुआ, यहाँ पे 34 पॉइंट हो चुके हैं चूरू के और नागौर के 17 ही अंकों की लीड दे रखी है चूरू ने नागौर को। और ये नागौर के राइडर कोशिश है पूरी बोनस लेने के, लेकिन देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं। और ये अच्छा टैकल किया यहीं पे
अल्कोहल एक पॉइंट मिलेगा चूरू की टीम को। हेलो नागौर की टीम में केवल 3 खिलाड़ी बचे हैं, 4 खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। गेम पलटते समय नहीं लगता दोस्त, अभी 3 खिलाड़ी थे नागौर की टीम में, फिलहाल 6 खिलाड़ी। अभी तक नागौर ने 21 पॉइंट अर्जित किए हैं और चूरू ने 36। यहाँ पर ना चूरू ने अच्छी लीड दे रखी है नागौर को, अच्छी खासी लीड, और यहीं पे चूरू के पॉइंट बढ़कर हुए 37 और नागौर के हैं अभी 21 पॉइंट, 16 पॉइंट का डिफरेंस है, अच्छा खासा डिफरेंस दे के बैठी है चूरू की टीम ऐसे मैच के लिए। और बहुत अच्छा दावा है खिलाड़ी का कि हाँ पॉइंट है और फुल पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे 1 पॉइंट चूरू पे 1 पॉइंट और बढ़ता हुआ, यहाँ पे 25 पॉइंट हो गए हैं चूरू के 17 अंकों की लीड। और इस तरह के मैच के लिए लीड का होना, वो इतनी बड़ी लीड का होना ज़रूरी नहीं है, छोटी मोटी लीड चल सकती है, इतनी बड़ी लीड और गेम को पलट देती है। बड़ी लीड का मतलब होता है ज़्यादा मेहनत करनी, अच्छा प्रदर्शन करना, और यहाँ समय की पाबंदी है,
समय की कमी है, कम समय की वजह से खिलाड़ी को स्कोर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों टीमें लगातार स्कोर गेन करती जा रही है। वहाँ दूसरी तरफ चूरू का जो स्कोर का लेवल है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, कि नागौर का लेवल थोड़ा कम है। जबकि मैच को बराबरी के लिए नागौर को अच्छे अंक अर्जित करने होंगे, तभी मुकाबला आगे बढ़ पाएगा अच्छे से, वरना एक तरफा मैच हो सकता है। अब ये पॉइंट मिलता हुआ, एक बोनस पॉइंट नागौर को, नागौर के पॉइंट हो गए हैं 22-38, अब भी अच्छा खासा डिफरेंस है, 16 पॉइंटों की लीड है। और महिला वर्ग के जो थर्ड पोजीशन के लिए जो पहला फाइनल मैच होना था, थर्ड पोजीशन के लिए ना कि मेन फाइनल, वो टीमें आ चुकी है ट्रैक पर, देख सकते हैं आप, अजमेर और जालौर दोनों टीमें आ चुकी हैं। अजमेर और हनुमानगढ़ का भी सेकंड सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें अजमेर को हार का सामना करना पड़ा था, वो टीम है। और दूसरा पहला सेमीफाइनल जालौर और नागौर के मध्य हुआ था, जिसमें नागौर जीती थी और जालौर को हार का सामना करना पड़ा। दोनों हारी हुई टीमें दोनों आमने सामने आई हैं, और इनमें से जो टीम विजेता रहेगी वो थर्ड पोजीशन रहेगी, और फर्स्ट सेकंड पोजीशन लास्ट के अंतिम फाइनल मैच में रहेगी, जिसमें हनुमानगढ़ और नागौर के मध्य मैच होगा। और यहाँ पे खिलाड़ी को टैकल करने का प्रयत्न है, लेकिन नाकामयाब रहे, और एक पॉइंट मिलेगा चूरू को। चूरू के पॉइंट यहाँ पर बढ़कर हुए 41, वहीं नागौर के पॉइंट हैं 22। बहुत शानदार डिफेंडिंग चूरू की तरफ से, और अंकों का गैप लगातार, अंकों का सिलसिला लगातार जारी, 41 वर्सेस 22 का, 44-22, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है पॉइंटों में। ये पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं, इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा सीकर और हनुमानगढ़ के मध्य। हनुमानगढ़ पहले जयपुर के साथ मैच हुआ था और हार का सामना करना पड़ा था, जो सेमीफाइनल होना था वो जयपुर और सीकर के मध्य होना था, लेकिन जयपुर की टीम में खिलाड़ी निकले हैं, फेक खिलाड़ी निकले, उसकी वजह से जयपुर की टीम को बाहर कर दिया गया, और जयपुर से जो टीम हारी थी यानी कि हनुमानगढ़, उसका मुकाबला होगा सीकर के साथ। तो दूसरा सेमीफाइनल जो होने वाला है सीकर वर्सेस हनुमानगढ़ के मध्य, और पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं चूरू वर्सेस नागौर के मध्य। नागौर टीम का दावा, एक पॉइंट टीम मिलेगा पॉइंट, ये 24 पॉइंट हो गए हैं नागौर के, वहीं पे चूरू के 44 पॉइंट हैं, अभी 20 पॉइंट का डिफरेंस। चुटकी लगाई चूरू के खिलाड़ी ने, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा चूरू को, पॉइंट बढ़कर हुए 45 और नागौर के हैं 24। अंतिम 6 मिनट से इस मैच की, और खिलाड़ी को ये तो होल्ड कर दिया, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा चूरू को। बहुत शानदार मैच चूरू का, खिलाड़ी को यहाँ पर 2 पॉइंट मिलेंगे
चूरू को लगातार अपने अंकों में बढ़ोतरी करते हुए चूरू की टीम 48 पॉइंट कर लिया है चूरू ने और नागौर के 24 हैं, 24 ही पॉइंट का डिफरेंस था यहाँ पे, 24-48 बहुत तगड़ी लीड है चूरू की तरफ से नागौर को। देखते हैं नागौर क्या इसको पूरा कर पाएगी। जहाँ तक लगता है ऑल आउट की कगार पर है टीम, यहाँ पे ये फिर से पॉइंट मिला है एक और एक पॉइंट चूरू को, यहाँ पे 49 पॉइंट होते हुए पूरे और 24 पॉइंट नागौर के, यहाँ पे केवल दो खिलाड़ी बचे हैं, दो खिलाड़ी शेष नागौर की टीम में और ये फौजी साहब, ये फौजी रिटायर हैं जो रेड डालने आए हैं नागौर चूरू की टीम में। इनसे उम्मीद है कि शायद पॉइंट लेके आए। हालांकि फौजी से डिफेंडर है लेकिन अभी इनको रेड डालने के भेजा क्योंकि केवल दो खिलाड़ी बचे हुए थे। और ये बहुत शानदार एक पॉइंट मिलेगा, और ये नागौर की टीम ऑल आउट, तीन पॉइंट मिलेंगे चूरू की टीम को। यहीं पे चूरू का स्कोर 53 और नागौर का स्कोर 24, बहुत बड़ी लीड, केवल लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, एक पॉइंट पीछे मिलेगा नागौर को और यहाँ पे नागौर के पॉइंट हो गए 25, वहीं चूरू के पॉइंट 53। तीस पॉइंट की लीड है और फिर से एक पॉइंट मिला चूरू को, यहाँ पे 30 पॉइंट लीड हो गई है। तीस पॉइंट की लीड, बहुत ही बड़ी लीड है चूरू की तरफ से। छप्पन 25 लास्ट अंतिम 3 मिनट शेष और अभी जो डिफरेंस है पॉइंट का 31 पॉइंट का डिफरेंस है, 25 पॉइंट ना होते चूरू के हैं 56 पॉइंट। और ये यहीं पिछाड़ी को होल्ड किया, उठा के पटक दिया पूरी तरह से, तरोड़ मरोड़ के रख दिया है खिलाड़ियों को चूरू ने, अच्छे भारी भरकम खिलाड़ी हैं। और ये बिल्कुल दावा किया है खिलाड़ी ने पॉइंट मिलेगा, टच करके आए हैं खिलाड़ी को, ये 58 पॉइंट होते हुए चूरू के और वहीं पे नागौर के 25 पॉइंट के, अच्छा खासा डिफरेंस, 33 पॉइंट के लीड है और यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा नागौर को, लेकिन एक पॉइंट से कुछ होना जाना नहीं है, केवल अंतिम 2 मिनट शेष हैं मैच के और 32 पॉइंट के लीड, लास्ट 2 मिनट शेष है, रेफरी जी का इशारा और यहाँ से खिलाड़ी बस निकलते हुए टच करके आए हैं, पॉइंट मिलेगा नागौर को, अंदाजा भी नहीं था कि ये सेमीफाइनल इस तरह बाहर हो सकती है।
और ये बहुत शानदार रेड, दोनों खिलाड़ी रोल आउट करके आया है खिलाड़ी, और यहाँ पे चार पॉइंट मिलेंगे चूरू को। इस तरह का प्रदर्शन आपने बहुत कम देखा होगा प्रो कबड्डी के लेवल के मैच होते हैं ये यहाँ पे। और पॉइंट का लेवल है 63 चूरू के और 26 नागौर के। खिलाड़ी ने डुबकी लगाई लेकिन कामयाब नहीं हो पाई, वहीं पे दबोच लिया और एक पॉइंट मिलेगा चूरू को फिर से 64-26। अड़तीस पॉइंट का डिफरेंस, इतना बड़ा डिफरेंस जो कि कवर कर पाना नामुमकिन है क्योंकि अंतिम मिनट शेष है और 38 पॉइंट का डिफरेंस है। यहीं पे समय की समाप्ति और ये जो सेमीफाइनल है पहला ये जीत लिया है चूरू टीम ने 64-26, बहुत बड़ा डिफरेंस टीम का।